एक दार्शनिक नाम च्विंगसू है, यूनान का दार्शनिक है। जब उसका व्यक्तित्व के पढ़ने में आता है, व्यक्तित्व के बारे में पढ़ते हैं, तो उसमें बहुत अच्छा दार्शनिक है, परंतु उसके अंदर एक कमी भी है। कमी क्या है कि वह व्यक्ति हर बात को भूल जाया करता था। कमी तो थी, उसका समाधान भी मिल गया। उसके जो नौकर थे, उन्होंने जहाँ पर उसका कोट रखा जाता था वहाँ पर यहाँ कोट है, जहाँ पर टोप रखा जाता था टोप है, जहाँ पर छाता आदि रखा जाता था वहाँ पर छाता है। वह व्यक्ति सो रहा था और उसके पास उसकी नेम प्लेट रखी हुई थी कि मैं हूँ। क्या? मैं हूँ। सोते सोते अचानक उसकी वह नेम प्लेट गिर जाती है। सुबह सोकर उठता है और देखता है कि मैं हूँ कहाँ, मैं हूँ। कर्मचारियों को, नौकरों को बुलाता है, बोलता है, भैया मैं हूँ नहीं मिल रहा है। क्या? मैं हूँ नहीं मिल रहा है। कौन मैं हूँ नहीं मिल रहा है? तो वह जो रस पट्टी थी, नेम प्लेट थी, वह नहीं मिल रही थी। लाके रख दी जाती है, मैं हूँ को संतुष्टि मिल जाती है कि मैं यहाँ पर हूँ। हम सभी भी अपने आप को भूले हुए हैं। मैं हूँ कहाँ गुम गया है, मालूम नहीं चल रहा है कि मैं कौन हूँ। बाह्य जगत में हम इतने विस्मृत हो गए कि अपने आप को भूल गए। जब तक हम बाह्य जगत में लगे रहेंगे, अपने आप को भूले हुए रहेंगे कि मेरा अस्तित्व क्या है, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, किस दर पर मुझे जाना है, ये सब मैं आप सब भूल चुके हैं। और जब तक इसको भूले रहेंगे, आपकी कोई भी क्रिया कितनी क्यों ना हो, आपको जो मंजिल की प्राप्ति करनी है, उस मंजिल की प्राप्ति आपको हो ही नहीं सकती। तो जो सबसे पहले बात आ रही है कि हम सभी ने दीक्षा क्यों ली, ऐसा क्या कारण मिला कि आप लोगों के बीच में से उठ के सब कुछ छोड़ छाड़ के आप लोगों को लगता होगा कई व्यक्तियों को कि ऐसा इन लोगों को क्या पागलपन छा गया कि संसार के सुख दुख को भूलकर, संसार के राग रंग को भूलकर, विषय भोगों को भूलकर, अपने घर परिवार माता पिता सबको छोड़ छाड़ कर, और ऐसा क्या आनंद आ रहा है कि सब कुछ छोड़ छाड़ कर संसार से बिल्कुल विपरीत मार्ग को पकड़ लिया। आप लोगों का मार्ग विपरीत है कि हम लोगों का मार्ग विपरीत है, इस लोगों की ओर आपकी दृष्टि जाती ही नहीं। मार्ग सही मार्ग है, जो महावीर का मार्ग है वह सही मार्ग है, और हम लोगों के दृष्टि लगता है कि आप लोग विपरीत मार्ग पर चल रहे हैं। एक हाइकु लिखा था, किस पे हंसूं, दुनिया पागल है या मैं पागल। किस पे हंसूं, दुनिया पागल है या मैं पागल। आप लोगों को लगता होगा कि महाराज लोग पागल हैं, और हम लोगों को लगता है कि आप सभी पागल हैं। क्यों पागल हैं? कि जो जिस आत्म तत्व को पाने के लिए हमें यह मनुष्य पर्याय मिली है, और उस मनुष्य पर्याय को आप सभी खोते चले जा रहे हैं। क्यों खोते चले जा रहे हैं? तो उसका एकमात्र कारण है कि मैं कौन हूँ, इसको आप सभी भूले हुए हैं। आप लोगों को स्थिति तो ऐसी है कि एक महिला अपने 9 बच्चों को लेकर नदी पार कर रही थी। जाते समय नदी पार करने के पहले गिन लिया सब बराबर हैं, और नदी पार करने के बाद गिनना शुरू किया, 1, 2, 3, 4, 5, एक कम हो गया। बच्चों ने गिनना शुरू किया, 1, 2, 3, 4, 5, एक कम हो गया। अब वह महिला रोने लगी, बच्चे भी रोने लगे, कुछ व्यक्ति निकलते हैं, यात्री निकलते हैं, क्यों क्या हो गया? तो आए थे हम 9 जन, बच्चों 9 बच्चों के साथ आए थे, और एक बच्चा कम हो गया। सभी जन गिन रहे हैं, दूसरों को गिन रहे हैं, अपने आप को भूल चुके हैं। उस व्यक्ति ने गिनना शुरू किया,
9 बच्चे और एक महिला, ऐसे 10 सामने आ गए। महिला को संतुष्टि होती है। ऐसे ही आप अपने आप को भूले रहेंगे तो क्या होगा? मैं और मेरे की चाह में आप अपने आप को भूल चुके हैं। मैं क्या है? मेरा अहंकार मैं है, और मेरा जो बाह्य वस्तु है, किसी ने कहा है कि चार वस्तुओं को कभी भी भूलना नहीं, और चार वस्तुओं को हमेशा धोखेबाज हैं। कौन कौन धोखेबाज है? तो कहा गया कि संपदा धोखेबाज है, शरीर धोखेबाज है, सत्ता धोखेबाज है, और संबंधी धोखेबाज हैं। और आज जो कुछ हो रहा है, या तो शरीर को लेकर हो रहा है, सत्ता को लेकर हो रहा है, संपदा को लेकर हो रहा है, या फिर संबंधियों को लेकर हो रहा है। ऐसा क्या कारण है कि हम अपने आप के पास आ जाएं? तो कहा गया कि चार विश्वास करने योग्य हैं। कौन कौन? तो कहा गया अपने समय को देखो, सत्संग को देखो, समझ को देखो और स्वभाव को देखो। जिस व्यक्ति ने अपने समय को देख लिया, जिस व्यक्ति ने स्वभाव को देख लिया, जिस व्यक्ति ने सत्संग को देख लिया और अपनी समझ को देख लिया, वह व्यक्ति कभी भी इन चार चीज़ों पर विश्वास नहीं करेगा और इन चार चीज़ों पर कभी छोड़ेगा नहीं। आप सभी आचार्य महाराज के व्यक्तित्व से बहुत प्रभावित हैं, हम लोग भी व्यक्तित्व से प्रभावित रहे, परंतु क्या मूल कारण रहा कि आप लोग नीचे बैठे और हम लोग ऊपर आ गए? तो बस एक ही मुख्य कारण है कि आप सभी गुरु को तो मानते हैं, परंतु गुरु की बात को नहीं मानते। और हम लोगों ने गुरु को भी माना और गुरु की बात को भी मान लिया। आचार्य महाराज के साथ बीना बारा जा रहे थे, 2006 की बात, 7 की बात होगी, जब बीना बारा पहुँच रहे थे तो बस आचार्य जी के साथ जैसे ही बिहार हुआ, नौरादेही की जंगल से बिहार हो रहा था, बोला गया कि शॉर्टकट है। आचार्य जी ने बोला कि इस जंगल में आने के बाद कई बार भटक चुके हैं, परंतु श्रावक साथ में हो लिए, बोले महाराज हमने जगह देखी है, वो कुछ शॉर्टकट रास्ता है। और जैसा होना था कि पहले भी भटक चुके थे, फिर भटक गए, अब वहाँ पर आवाज़ लगाई जा रही है कि तुम कहाँ हो, तुम कहाँ हो। आचार्य श्री को यह बात सुनने के बाद हंसी आई और आचार्य श्री बोलते हैं कि यह मत बोलो कि तुम कहाँ हो, यह बोलो कि मैं यहाँ हूँ, तुम यहाँ पर आ जाओ। मैं यहाँ हूँ, बस जिस व्यक्ति ने मैं को जान लिया, अपने आप को जान लिया, उस व्यक्ति का अहंकार अपने आप चला जाएगा। परंतु आज का व्यक्ति अहंकार का पुतला हो गया है, भोग विलास में इतना रम गया है कि अपने आत्म तत्व को भूल चुका है। और जिस व्यक्ति का आत्म तत्व गौण हो जाएगा, व्यक्ति सब कुछ खोज कर रहा है, परंतु किसकी खोज कर रहा है? बस जड़ वस्तुओं की खोज में लगा हुआ है, जड़ बना जा रहा है, अपने चैतन्य स्वभाव को वह व्यक्ति खो चुका है। जब तक हम जड़ वस्तुओं से ऊपर हटकर, ऊपर उठकर अपने आप को, अपने चैतन्य स्वभाव को नहीं जानेंगे, ऐसा क्या होगा? ऐसी क्रिया होगी कि जिस प्रकार से कोलू का बैल होता है, कोलू के बैल के ऊपर आँखों पर पट्टी बांध जाती है, अब पट्टी बांध दी, उसकी यात्रा तो चल रही है, परंतु उसकी यात्रा कहाँ पर है? वहीं के वहीं उसकी यात्रा है। ऐसे ही आप लोग आँखों पर पट्टी बांधे हुए हैं, आँखें खोल ही नहीं रहे हैं, अपने स्वरूप को जान ही नहीं पा रहे हैं कि मेरा स्वरूप क्या है। कुछ स्थिति ऐसी बनती है कि आचार्य महाराज नयावर से विहार कर रहे थे और नयावर से विहार करते करते अचानक जैसे ही बाहर निकले, एक भजन बन गाना सुन रहा, बज रहा हो या भजन हो, जिसको गाना क्या था, दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, तूने काहे को दुनिया बनाई। अच्छे श्री ने जैसे ही ये दो लाइन सुनने में आई,
अचित श्री के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। व्यक्तियों ने पूछा, महाराजों ने पूछा, महाराज क्या हो गया है? तो अचित श्री बोलते हैं कि देखो तो दुनिया कैसा भगवान को भी पागल बनाने लगी, बुद्धू बनाने लगी। दुनिया तो वह स्वयं बसा रही है और बोल रहे हैं कि दुनिया बनाने वाले तूने काहे को दुनिया बनाई। अचित श्री बोलते हैं कि यह भजन तो ऐसा होना चाहिए कि दुनिया बसाने वाले काहे को मन में समाही, तूने काहे को दुनिया बसाई। आप सभी दुनिया बसा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, बसाना है। क्यों? क्योंकि यदि ग्रस्त मार्ग ना हो तो साधु श्रमण मार्ग भी बंद हो जाएगा। परंतु संसार में रहकर, संसार में जैसे कीचड़ में कमल रहता है, ऐसे ही आप लोग रहकर भी संसार में रहो परंतु संसार को मन में नहीं बसाओ। और यदि संसार को मन में बसाते रहोगे तो जो आपका रूपांतरण होना चाहिए था वह रूपांतरण नहीं हो पाएगा। कैसा रूपांतरण? बस जिस व्यक्ति के मन में यह बात आ गई, मैं हूँ कौन, मेरा कौन है, क्या दुनिया मेरी है? नहीं, दुनिया आपकी हो ही नहीं सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि जब तक आपसे स्वार्थ सिद्ध हो रहा है तब तक दुनिया आपकी है, आपके घर परिवार वाले आपके हैं। और जिस दिन आपको हकीकत का ज्ञान हो जाएगा कि सब स्वार्थ के साथी हैं, उस दिन आपको यह भी ज्ञान हो जाएगा कि मैं कौन हूँ। शरीर को अपना नहीं मानो। क्यों नहीं मानो? कहा गया कि शरीर कैसा है, तो कहा जाता है कि शरीर तो वियोग धर्मी है, शरीर रोग धर्मी है, शरीर जरा धर्मी है और शरीर मरण धर्मी है। जिस व्यक्ति ने इन चार बातों को रोग धर्मी, वियोग धर्मी, जरा धर्मी और मरण धर्मी, शरीर को आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज जी बहुत अच्छी बात कहा करते थे, यह तो धोखेबाज है। क्या है? धोखेबाज है। और जब तक इस धोखेबाज की सेवा सुसुषा में लगे रहोगे, मैं कौन हूँ इसको भूले रहोगे। हर व्यक्ति के जीवन में कुछ ऐसे घटनाएं घटती हैं, उसको वैराग्य होता है। परंतु वैराग्य कैसे होता है? तो वैराग्य होता है, एक वैराग्य होता है तात्कालिक और एक वैराग्य होता है त्रैकालिक। तात्कालिक वैराग्य हर किसी व्यक्ति को हो सकता है, हो जाता है, परंतु व्यक्ति फिर उसी राग रंग में भूल जाता है। हमें इस राग रंग से ऊपर उठना है तो बस आचार्य विद्यासागर महाराज को देखो। आचार्य महाराज का व्यक्तित्व कैसा है, कैसा उनका चर्या है, कैसा उनका संयम है, उस संयम को, उनकी निर्लिप्तता को यदि आप देख लोगे तो कभी भी संसार में फंसना होगा ही नहीं। तो जो बात चल रही है कि हर व्यक्ति को बस एक ही बात होना चाहिए कि अपने स्वरूप को देखना चाहिए, रूपांतरण उसके जीवन में आना चाहिए, बदलाव उसके जीवन में आना चाहिए। और जिस व्यक्ति ने बदलाव की ओर दृष्टि देख ली, बदला दी कि बदलाव हो रहा है, कैसा बदलाव हो रहा है, कि बच्चा छोटा सा है, बहुत मासूम है, हर व्यक्ति को खिलाने का मन होता है। परंतु जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता चला जाता है, संसार उसके जीवन में आता चला जाता है, उसका रूप बदलता चला जाता है। बस हमें संसार के स्वरूप को देखना है। संसार के स्वरूप को देखकर ही आचार्य महाराज ने संसार से मुख मोड़ लिया और आचार्य महाराज को देखकर ही हम लोगों ने संसार से मुख मोड़ लिया। हर व्यक्ति भगवान की आराधना करता है। क्यों करता है? भगवान की आराधना दो व्यक्ति करते हैं। एक व्यक्ति भगवान की आराधना करने के बाद भी अपना संसार बढ़ा लेता है। क्यों? क्योंकि उसकी लौकिकता की चाह होती है। और एक व्यक्ति भगवान की आराधना किस उद्देश्य को लेकर की जा रही है, तो भगवान की आराधना उसके जीवन में कुछ आध्यात्मिकता आई हुई है। आध्यात्मिकता क्या चीज़ है? तो बस अपने पराए का जिसे ज्ञान हो गया, उसके जीवन में विकास हो गया। आप लोग जिस विकास के क्षेत्र में भाग रहे हैं वह तो अंधी दौड़ है। जड़ की ओर भागना मूर्खता है और चेतन की ओर भागना अपने स्वरूप को पाना है। जिस दिन आप अपने
स्वरूप को समझ जाएंगे, उस दिन आपको ज्ञात हो जाएगा कि मैं कौन हूँ। बस संसार से आपका मुख मुड़ जाएगा। हम लोग बहुरी बंद में थे, बहुत गर्मी थी। 23 महाराजों मुनि महाराजों का अप्रैल में दीक्षा दिवस आता है, उनका दीक्षा दिवस मनाया जा रहा था। और दीक्षा दिवस मनाने के बाद कुछ ऐसी घटना घटी कि दीक्षा दिवस मनाया जा रहा है। सुबह से घोषणा हो गई कि दीक्षा दिवस मनाना है, परंतु जिसने घोषणा की वह 4-5 व्यक्ति ही दीक्षा दिवस मनाने के लिए उपस्थित रहे। बहुरी बंद में सभी व्यक्ति अपने अपने घर दोपहर में लौट जाया करते थे। तो हम लोगों के अंदर भी बात आई, महाराजों से निवेदन किया गया कि महाराज आप लोगों का दीक्षा दिवस है, मनाना है तो कैसे मनाया जाए। हम लोग महाराज थे और नैमावर के दीक्षित मुनि महाराज भी थे। दीक्षा दिवस मनाया जा रहा था, किन्हीं महाराज ने कमरे में से मनाया जा रहा था, किन्हीं महाराज ने किन्हीं महाराज से पूछा कि महाराज एक बात तो बतलाइए कि आपको वैराग्य कैसे हुआ, आपको वैराग्य कैसे हुआ। महाराज ने कारण बता दिया, बात आई गई हो गई, दीक्षा दिवस मना लिया गया। शाम को आचार्य भक्ति के बाद आचार्य महाराज बैठे रहे तो सही महाराज भी वहीं पर बैठ गए। आचार्य जी बोलते हैं, आचार्य श्री जी कि भैया आज महाराजों का दीक्षा दिवस मनाया जा रहा था, मैं भी बाजू में बैठा बैठा सुन रहा था कि कैसा दीक्षा दिवस मनाया जा रहा है। किन्हीं महाराज ने पूछा कि महाराज आपको वैराग्य कैसे हुआ। आचार्य जी बोलते हैं कि यह पूछ लिया तो पूछ लिया, साथ में एक प्रश्न और करना था। प्रश्न वह था कि महाराज आपका वैराग्य कैसा है, आपको वैराग्य कैसे हुआ। हर व्यक्ति पूछ लेता है, परंतु कहा जाता है कि जो दीक्षा के समय भाव होते हैं, चाहे महाराज भगवान की क्यों ना हो, उस समय जैसे उनके भाव होते हैं, बाद में उनके वैसे भाव नहीं रहते। दीक्षा के समय सातवां गुणस्तर बनता है और फिर अंतर्मुहूर्तवाद नीचे आ जाते हैं, हजारों बार ऊपर नीचे छठवें सातवें गुण स्थान में हो जाते हैं। तो बस दीक्षा दिवस आप सभी मना रहे हैं, दीक्षा दिवस मनाने के बाद क्या होना चाहिए। हम लोग भी दीक्षा दिवस मना रहे हैं तो अपने आप लोगों को, हम लोगों को टटोल लेना चाहिए कि हम लोगों का वैराग्य कैसा है। और आप लोगों को भी दीक्षा दिवस मना रहे हैं तो ऐसा नहीं कि यहाँ से सुना और दूसरे कान से निकाल दिया। यदि आपके जीवन में रूपांतरण हो रहा है, आपके जीवन में परिवर्तन आ रहा है, तो दीक्षा दिवस मनाना कुछ सार्थक है, अन्यथा तो ऐसा दीक्षा दिवस मनाते रहते हैं, एक घटना और सुना के अपनी बात खत्म कर रहे हैं। बीनावारा की बात है 2007 की, हम लोगों का दीक्षा दिवस आया। हम लोगों का उस समय दीक्षा दिवस मनाना अलग होता था और अब आप लोगों के बीच में, असंयमियों के बीच में दीक्षा दिवस मनाना अलग होता है। सुबह सुबह आचार्य महाराज की चरण वंदना करते हुए आचार्य जी की परिक्रमा दी और वहीं पर बैठ गए। आचार्य जी ने बस एक ही बात बोली, आचार्य जी जो कुछ बोलते हैं बहुत सोच समझ के बोलते हैं और दो वाक्यों में पूरी बात, बहुत गंभीर बात को कह देते हैं। आचार्य जी ने एक ही बात बोली कि देखो तो आप लोगों का दीक्षा दिवस है और श्रावक लोग आप लोगों का दीक्षा दिवस मना रहे हैं, उन लोगों को दीक्षा दिवस मनाने में इतना आनंद आ रहा है, एक बात तो बताओ कि आप लोगों को दीक्षा लेने में कितना आनंद आ रहा है। यदि आप लोगों ने दीक्षा ली है और दीक्षा लेने के बाद आनंद की अनुभूति हो रही है तो आप सही मार्ग पर चल रहे हैं। और दीक्षा दिवस में यदि असहिमी की संगत में आ जाओगे, आज इसने एक बात बोली, आत्म प्रधाने झिणक खा दे। जिस व्यक्ति ने अपनी आत्मा को प्रधान बना लिया, उसका दीक्षा दिवस मनाना और दीक्षा लेना सार्थक हो गया। और यदि बस आप लोगों ने नाटक कर लिया, भगवान दीक्षा संबंधी नाटक था, आंखों में आंसू आए, सबकी आंखों में आंसू आए, साधुवाद के पात्र हैं कि बैराग को देखकर आप लोगों की आंखों में आंसू भी आए। परंतु यदि जीवन में परिवर्तन नहीं आया, फिर वही की वही स्थिति बनी रही तो क्या होगा, कुछ भी नहीं हो पाएगा। जैन कुल में जन्म लिया है, उस कुल को सार्थक करना भी जिस व्यक्ति ने सीख लिया, उस व्यक्ति का जैन कुल में जन्म लेना सार्थक हो गया,
और हम लोगों ने दीक्षा ले ली, उस दीक्षा को सार्थक यदि कर रहे हैं तो हम लोगों का दीक्षा लेना कुछ मायने रखता है, अन्यथा तो यदि थोड़ा सा भी उपयोग बदला, थोड़ा सा ही यदि असैमी की संगत में आ गए तो मार्ग ही बदल गया। हम लोगों का मार्ग जिस मार्ग गुरु महाराज ने जैसा बतलाया उसी मार्ग पर चलते रहें, गुरु महाराज की आज्ञा का पालन करते रहें, बस यही दीक्षा लेना सार्थक होगा और दीक्षा दिवस मनाना भी सार्थक होगा। आप सभी अपने जीवन की ओर दृष्टिपात करें कि क्या हम जैनी हैं। नाम के जैनी तो बहुत हैं परंतु काम का जैनी सही जैनी है। आप लोग दीक्षा दिवस मना रहे हैं, अपने आप को भी देख लें कि मैं कौन हूँ। जिस व्यक्ति को यह भान रहा कि मैं कौन हूँ, वह व्यक्ति कभी भी शरीर संपत्ति और संपदा में अटकेगा नहीं, उससे ऊपर उठकर अपने आत्म तत्व की ओर दृष्टि जाएगी। आप सभी की दृष्टि आत्म तत्व की ओर जाए, इसी भावनाओं के साथ अहिंसा परमो धर्म की